दोस्तों हम सभी के फोन में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन होता है। नॉर्मली उससे दोस्तों हम लोग अपने फोन का आवाज कम ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, आप अपने वॉल्यूम बटन से आवाज को कम ज्यादा करने के अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब कि इस वॉल्यूम बटन से ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना कि अगर आप अपने दोस्तों के सामने करोगे तो ये देख कर यार चौंक जाएंगे, बोलेंगे यार ये कैसे तूने किया, मैं तो अपने वॉल्यूम बटन से सिर्फ और सिर्फ आवाज कम ज्यादा करता हूँ, तू अपने फोन में इतनी सारी चीजें अपने वॉल्यूम बटन से कर रहा है, कैसे किया मुझे भी बता। मतलब इतनी कमाल की ट्रिक लेके आया आप सभी के लिए, काफी ज्यादा आपके स्मार्टफोन को और ज्यादा स्मार्ट बना देगा, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको स्मार्टफोन यूज करने में। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वॉल्यूम बटन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देख करके आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी सारी चीजें सिर्फ दो बटन से कैसे पॉसिबल है। आप यहाँ पे देखिए, एक बार मैं अगर वॉल्यूम अप बटन दबाता हूँ तो मेरा फोन ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगर यहीं पे मैं दो बार दबाऊं तो मेरे फोन का फ्लैश लाइट चालू हो जाता है, वापिस से अगर मैं दो बार दबा दूं तो ये बंद हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं वॉल्यूम अप बटन को मीन्स लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखूं तो मेरे फोन का जो सिस्टम सेटिंग है वो आ जाता है सामने, आप यहाँ देख सकते हो। तो मतलब कि मुझे सेटिंग जाने के लिए डायरेक्ट वॉल्यूम जो बटन है इसे प्रेस करके रखना होगा, डायरेक्ट मैं सेटिंग में पहुंच जाऊंगा, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बताऊं वॉल्यूम डाउन बटन का, अभी तक तो दोस्तों आप सिर्फ वॉल्यूम अप बटन का देखे, अब डाउन बटन का देख लीजिए। इसको एक बार प्रेस करोगे तो आपके फोन का जो सर्च बार है वो खुल जाएगा, आप यहां से डायरेक्टली कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इसे दो बार प्रेस करते हो, यहां पे आप देख लीजिए, तो फिर से दिखा देता हूं, यहां पे आप देख लीजिए, तो आपके फोन का जो पावर बटन की सारी चीजें होती है वो यहां पे आपके सामने आ जाएगी। मतलब कि मान लीजिए आपके फोन का ये जो पावर बटन है ये खराब हो गया है, काम सही से नहीं कर रहा है, तो सिर्फ दो बार अपने वॉल्यूम डाउन बटन को दबाओगे तो पावर बटन से जो जो चीजें आप कर पा रहे थे वो सब आप कर पाओगे। तो ये काफी अमेजिंग है, अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहां पे आप देख लीजिए जो लास्ट एप्लीकेशन है आप वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे कि मान लीजिए आप लास्ट टाइम व्हाट्सएप चला रहे थे एंड इसे लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली दोस्तों व्हाट्सएप में आ जाओगे, यहां पे आप देख सकते हो। तो मतलब कि आप वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से इतनी सारी चीजें कर सकते हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, अभी और भी सारी चीजें हैं इस वीडियो में बताने के लिए। ये सब चीजें करने के लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नेम है बटन मैपर। इसे कैसे आप डाउनलोड करोगे वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इसे जब आप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, पहले टाइम ऐसा दिखेगा। तो यहां पे दोस्तों आपको परमिशन वगैरह दे देनी है, परमिशन देने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली आ जाना है वॉल्यूम बटन पे, यहां पे आप देख सकते हो। एंड यहां पे आओगे तो यहां पे आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन दो बटन दिखाई देंगे, तो हर बटन से आप तीन चीजें कर सकते हो। यहां पे आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने सिंगल टैप में रखा है स्क्रीनशॉट को, डबल टैप में मैंने फ्लैश लाइट को रखा है, उसके बाद दोस्तों लॉन्ग प्रेस में मैंने सिस्टम सेटिंग को रखा है। ऐसे दोस्तों आप वॉल्यूम डाउन में भी कस्टमाइज कर सकते हो, सिंगल टैप पे मैंने सर्च को रखा है एंड डबल टैप पे मैंने पावर डायलॉग को रखा है, उसके साथ साथ लॉन्ग प्रेस पे मैंने लास्ट एप्लीकेशन को रखा है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि सिंगल टैप पे हमें रखना है, कुछ भी यहाँ पे आप दोस्तों रख सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉइस टाइपिंग रख सकते हो या फिर लास्ट एप्लीकेशन रख सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन रख सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन है। तो मैं इसे यही रहने देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो जस्ट आपके मीन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आपको वॉल्यूम अप से क्या क्या चीजें करानी है, वॉल्यूम डाउन से आप क्या क्या चीजें कराना चाहते हो। हर एक बटन से आप तीन चीजें करा सकते हो, यानी कि वॉल्यूम अप से तीन एंड वॉल्यूम डाउन से तीन, टोटल छह एक्शन आप अपने वॉल्यूम बटन से करवा सकते हो। तो आपको सोचिएगा इस इतनी सारे फीचर्स आप इस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से करवा सकते हो। एक बार क्लिक करो स्क्रीनशॉट, दो बार क्लिक करो फ्लैश लाइट चालू, फिर से दो बार क्लिक करो बंद हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करके करोगे तो सिस्टम सेटिंग ऑन हो जाएगी, एंड नीचे वाला जो वॉल्यूम डाउन बटन है एक बार दबाओगे तो आपके फोन का जो सर्च बार है आ जाएगा सामने, कुछ भी सर्च कर लो। अगर डबल आप इसे टैप कर दोगे तो जो पावर बटन की सारी चीजें होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कई लोगों के फोन का पावर बटन सही से काम नहीं करता तो उनके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो लास्ट एप्लीकेशन थी वो आपके सामने आ जाएगी। तो काफी सारी चीजें आप इस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप एक नए व्यूअर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।